तो बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास नाइन्थ के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 14 नवंबर 2024 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो, तो देख लेना। साथ में मॉक टेस्ट 1 एंड 2 का सॉल्यूशन अपलोड है, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन है, उसको भी देख सकते हो दोनों मीडियम में। ओके, तो सीधा आ जाओ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए क्यू वी इफ़ एंगल ए पी बी इक्वल टू 50 डिग्री। दिए गए चित्र में एंगल ए क्यू बी का मान ज्ञात कीजिए यदि एंगल ए पी बी बराबर 50 डिग्री है, ठीक है। एंगल ए पी बी ये दिया है, कितना 50। एंगल ए क्यू बी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये 50 है, ये भी 50 होगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। रीजन ये थ्योरम आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? आंसर इंग्लिश में लिखो गिवन, हिंदी में दिया है। एंगल ए पी बी कितना है? 50, ठीक है। हिंदी में लिखो, हमें पता है कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। इंग्लिश में वी नो दैट द एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर यानी इसलिए एंगल ए क्यू बी एंगल ए पी बी के इक्वल होगा। ये 50 दिया है तो ये भी 50 हो जाएगा, क्योंकि आपने रीजन ऊपर लिख दिया, यानी एक प्रमेय है यानी थ्योरम है, आप उसको पढ़ लेना। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही था, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।